हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, बस ये नाम ही रह गया है जो कि हमेशा हर किसी को याद आता रहेगा, क्योंकि सुशांत बॉलीवुड के चमकते हुए वो सितारे थे जिसकी चमक हर किसी को बहुत अच्छी लगती थी। महज 34 साल की उम्र में सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अपने बांद्रा वाले घर में वो पंखे से लटक गए, इस खबर को सुनकर हर कोई सकते में है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ रही है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते में काफी दिनों से अनबन चल रही थी, दोनों के रिश्ते में काफी दूरियां आ रही थी। हालांकि जब तक लॉकडाउन था तब तक रिया सुशांत के साथ रहा करती थी उन्हीं के घर में, लेकिन लॉकडाउन खुल जाने के बाद वो अपने घर चली गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि सुशांत रिया को उनके घर छोड़ने भी गए थे, लेकिन क्या आपको पता है सुशांत की बहन और रिया का आर्गुमेंट हो चुका है, दोनों के बीच में काफी कहा सुनी हो गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रिया का झगड़ा हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत की बहन रितु से, जिसके बाद रिया अपने फ्रेंड के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि सुशांत के साथ जो पार्टनर रहा करता था उसका नाम समीर था, और उस शख्स को रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रिया और अक्सर सुशांत का इसी बात को लेकर झगड़ा होता था, क्योंकि रिया को सुशांत का ये पार्टनर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जो वो पार्टनर था वो पटना वाले घर में सुशांत और रिया की सभी खबरें दिया करता था, जो कि रिया को बिल्कुल भी रास नहीं आता था। और इसी बात को लेकर रिया और सुशांत की बहन भी एक दूसरे से एक बार आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं, जिसके बाद रिया ने सुशांत का घर छोड़कर अपने दोस्त के घर में शिफ्ट हो गई थी। बहरहाल पूरे मामले की जांच चल रही है, पुलिस रिया के भी बयान को दर्ज करेंगी और आज 4 बजे के करीब सुशांत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।